जिमनी चौड़ा नूं लैके सारियां पार्टियां दे वल्लों अपनी अपनी जमीन तैयार की जा रही है ते इस वेले हुण जिहड़ी बीजेपी है वह भी पंजाब दे विच वड्डियां रैलियां कर रही है। हुण भी जलंधर दे विच जिहड़ी वड्डी रैली है हो रही है। इस वेले साडे नाल मौजूद ने बीजेपी दे सीनियर लीडर सरबजीत सिंह मक्कड़। सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है ते रैलियां दे विच भरमा हुंगारा मिल रहा है, की कहोगे? बहुत वड्डा रिस्पोंस है। जिवें जिवें इलैक्शन नेड़े आ रही है, भारतीय जनता पार्टी नूं लोग पसंद करके पब्लिक दे विच इकट्ठ करके दिखा रहे ने। अज दा इकट्ठ वेखो किन्ना वड्डा इकट्ठ है। अज सारा दिन पिंडां दीआं मीटिंगां सी मेरीआं जी, ते उहनां पिंडां दीआं मीटिंगां दे विच सारा दिन बहुत वड्डियां रौनकां रहीआं। उह रौनक तां हुंदी है जदों लोकां दा मन बणिआ होवे, ते प्रेरित भी करदे आ। मोदी साहब दी मन की बात भी उह सुणदे ने। बड़ा वड्डा एक असर है इस गल ते कि इस वार एक वारी मौका मोदी सरकार नूं देना है, उन्हां दा MP चुनना है, उस तो बाद उन्हां दी पंजाब च सरकार बनाउणी है ते 24 दा राज भी बनाउणा है। लोग कहण लग पए ने बीजेपी दा नारा है कि बीजेपी ही एक विकल्प, ते बीजेपी ही एक विकल्प क्यों है पंजाब लई? बीजेपी ने अपनी पॉलिसी नूं बड़ा इमानदारी नाल रख्या। बीजेपी ने काम वो करवा के दिखाए जिहड़े वर्ल्ड लैवल दे सी। मोदी साहब ने वर्किंग इहो जी दिखाई जिहड़ी कदी किसी ने देखी नहीं सी जी, ते लोकां ने उन्हां नूं पसंद कीता। हाँ जी, ते मैं उही गल कर रही हाँ कि विरोधियों के वलों एक प्रसैप्शन बनाई जाती है पंजाब दे विच कि मनोरिटीज़ के विरोध दे विच ने बीजेपी, ये प्रसैप्शन है एक तरह दे। वो टुट गई है, प्रोफेशन होण नहीं हैगी। मैं एक होर गल तुहाडे तों पुछना चाहुंदी हाँ कि पिछले एक साल तो लगातार बीजेपी अपने बलबूते दे उत्ते, पहले श्रोमणी अकाली दल दे नाल सी पर हुण अपने बलबूते ते ग्राउंड लैवल दे उत्ते काम कर रही है, उस तो बाद किन्ना क चेंज आया, किन्नी क रेशो दे विच जिहड़ा वाधा है तुसीं देख रहे हो? मैं तो 100% फर्क देख रहा, जे पिंडां वाले तुर पए ने, शहरां वाले तुर पए ने, बिजनेसमैन लाइक कर रहे, गरीब आदमी मजदूर लाइक कर रहे। मैं कह सकदा हां कि लोगों को मोदी दी पॉलिसियां पसंद आई हैं, पंजाब च असर कर गई हैं। अगे पंजाब दी दूजियां स्टेटां च असीं ये चीज़ वेखदे सी, पर हुण असीं इत्थे देखदे हाँ कि आन वाला समा बहुत वधिया है ते भारतीय जनता पार्टी का कैंडीडेट इंदर इकबाल जितेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।